देखो ये हमारा वो हार है जो हमें हमारी माँ की याद दिलाता है। अब से तुम्हें हमारी याद दिलाएगा। अब तक तो तुम हमारी सिर्फ ननद थी, परंतु अब नहीं रहोगी, किसी की दुल्हन जो बन जाओगी। ये तो बोलती ही जा रही है, इसको पानी पिला। कहीं हमारी योजना शुरू होने से पहले ही उस पर पानी ना फेंकते। जी अम्मा। गुरु माता, पानी हमारे लिए। जी, धन्यवाद। वैसे तो शादी ब्याह सहयोग की बात होती है, परंतु इस सहयोग के योग में योगदान किसका होता है? सभी संयोगों का योग होता है प्रभु की भक्ति। ये तो सदैव पूजा में घुसी रहती है, इसे पूजा से बाहर लाओ। अब अब भक्ति तो भगवान की जाती है, परंतु प्रेम जीवन साथी के साथ ही होता है। जैसे जैसे आप करती हैं भक्ति मत प्रेम गुरुवर से। वो तो हम करते हैं। गुरुवर का प्रेम अनंता के लिए इतना है कि अनंता के प्रेम के बीच में आ रहा है। अब भक्ति जो करती है तो आंखें बंद कर लेती हूँ। गुरुवर की आंखें तो पहले से ही बंद है, जो उन्हें अनंता का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा तो अगर आप अनंता का विवाह ऐसे व्यक्ति से करा देंगी जिससे वो प्रेम नहीं करती तो बस हम इस विवाह के बंधन में बन जाएंगे और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। शिव 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 शिव, ऐसा मत बोलो अनंता। गुरु माता, आप ही दोषी कहलाएंगी अगर ऐसा हो गया तो, और दोष की पोटली आपके सर पे मंडराएगी। तो आप ही बताइए हम क्या करें। हाँ, हम बताते हैं। हमें पहले ये पता करना होगा कि आने वाला लड़का अनंता को पसंद है या नहीं। बाकी सब योजना पर छोड़ दो, हम भाग्य पर छोड़ दीजिए। ठीक है, हम सब कुछ आप पर छोड़ते हैं। हे भगवान, तो दो शिष्यों का गुरु होकर भी हमें अपनी क्षमता से दुगुना कार्य करना पड़ रहा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आओ आओ मूर्खो, काम चोरो, कहाँ गायब थे अब तक? नहीं नहीं गुरुजी, गायब नहीं थे, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाके देख के आओ जरा कि लड़के वाले आए कि नहीं आए। हाँ गुरुजी, और हम आपके जरा में अपना जरा मिला लिया और घर से बाहर क्या पूरे राज्य में देख कर आए, तब जाके पता चला कि वो नहीं आए। राज्य के बाहर तक हो आए। मूर्खो, नालायको, निर्लजो, तुम्हें अपने पैरों का इतना उपयोग नहीं करना पड़ता यदि तुमने अपने मस्तिष्क का इतना सा भी उपयोग किया होता। ये उपयोग क्या होता है गुरुजी? उपयोग क्या होता है अभी बताते हैं। प्रिय शिष्यों, ये जो खड़ा हूं है इसका सदुपयोग कैसे करना है हम बताते हैं। लगता सुमंगलम अभी तक आया नहीं। यजमान 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 श्रीमान कोटेश्वर राव जी। हाँ जी, बोलिए। आप सभी को शुभ मंगलम का नया नया प्रणाम। दूधो नहाओ पूतो फलो, खड़े 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 खड़े। अरे आपका प्रणाम ही नया नहीं है, आप भी नए दिखाई दे रहे हैं। क्या है कोटेश्वर राव जी कि उम्र बढ़ती है तो आदमी भी बदल जाता है। अच्छा, पर मेरा अनुभव तो अलग है। दिन ढलते सब कुछ बदला बदला नजर आता है। हैं? शुभ मंगलम जी, अब यहाँ द्वार पर ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं नहीं, आइए आइए भीतर चलिए। आई आई पुत्र, सब ठीक से तो दिख रहा है ना? पिताजी, वो देखो एक खड़ाव मेरी तरफ ही आ रहा है। पुत्र, जब खड़ा हुआ आता हुआ दिखाई दिया तो झुके क्यों नहीं? बस तो मैं जाता पिताजी, पर ये साबित कैसे करता कि मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है? अब
शुभ मंगलम, ये कैसा स्वागत है? वो क्या है कि आपके स्वागत के लिए हमने तैयारियां की, तो बस वो हमारी खड़ा वो निशाना चूक गई। क्षमा 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 क्षमा, आइए आइए आइए, भीतर आइए, आइए बैठिए जी। धन्यवाद। बाकी सब तो ठीक है, किंतु ये श्रीमान कौन है? श्रेष्ठ जनो, मैं शुभ मंगलम। पहले आप दोनों मुझे ढूंढ कर लाए थे, तत्पश्चात मैं रिश्ता लेकर आया था। परंतु आप तो अलग दिख रहे हैं। वो क्या है कि उम्र बीतती है तो आदमी बदल जाता है। ऐसे कैसे, दो दिन में इतनी उम्र बदल गई कि आदमी बदल गया? हाँ, हो सकता है, हमने पहचान लिया गरुड़। नहीं, हमारा कहने का अर्थ है शुभ मंगलम। जी 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 जी, धन्यवाद नागराज। परंतु आपने मुंह पर कपड़ा क्यों ढका हुआ है? वो क्या है कि हवा में बहुत ही प्रदूषण है, इसलिए। हाँ, वो तो है, किंतु आप दोनों तो इस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कन्या को नहीं मुझे दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है अब कन्या को दिखाने का कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए। आरंभ करना चाहिए, वरना सूरज का क्या भरोसा, पता नहीं कब ढलना आरंभ कर दे। वैसे मैंने दोनों की कुंडलियां मिला ली हैं, 36 में से 40 गुण मिलते हैं। 36 में से 40 गुण कैसे मिल सकते हैं? कुछ कुछ गुण दो दो बार भी मिलते हैं ना। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मिल रहे होंगे। अच्छा, दो दो मिले। पुत्र बताओ क्या 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 करते हो? जी, जो भी करता हूँ दिन में कर लेता हूँ। इसका अर्थ ये है कि ये समय का बड़ा पाबंद है और हर काम समय से करता है। वाह वाह वाह, क्या 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 गुण है? जी संते जी, कुछ गुण विशेषता होती है तो कुछ विवशता। राज गुरु जी, हमारी धर्म पत्नी का ये कहना है कि नरेश्वर सबको विवश कर देता है समय का सही पालन करने के लिए। कन्या को देखने के लिए हम कोसों दूर से आए हैं। कहाँ है कन्या? हाँ, अभी अभी बुलाते हैं। हमारी अनंता जो है वो लाखों में एक है, और उस एक में ही लाखों गुण भरे पड़े हैं। हाँ, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बहन को देख सकूं तो शीघ्र बुलाइए। हाँ, 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 बुलाइए ना। हाँ, अभी बुलाते हैं पुत्र। जरा सुनो, बाहर आओ। पिताजी, तो मैंने देख ली। हाँ, एक बार आप उसकी आयु देख लीजिए, आयु से ज्यादा नहीं लगती क्या? अरे, लड़की तो है ना, और फिर आयु में क्या रखा है, दिन ढलने के बाद कौन सी आयु दिखने वाली है, समझे? पुत्र राजगुरु तथाचार्य की बहन है, प्रशंसा कर। वाह, अति सुंदर। वैसा आपका विवाह के बारे में क्या विचार है? विवाह? विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेम, जी, प्रभु की भक्ति, भजन और सत्संग के साथ जीवन व्यतीत करने में ही जीवन की सार्थकता है। पिताजी, मैंने कहा ना, लड़की की आयु ज्यादा है। अरे, ये यहाँ विवाह करने आई है या संन्यास लेने? क्या हुआ? कुछ नहीं राजगुरु जी, वो क्या है, लड़के को लड़की पसंद है। बिना देखे? वही तो, कन्या को देखकर ही पसंद कीजिए। अरे, देख तो लिया, सामने खड़ी है।
आपने किसे देख लिया? आपकी बहन। अरे ये गुरु माता है, ये इनकी बहन नहीं इनकी पत्नी है। पिताजी मैंने कहा था आयु ज्यादा है, अरे विवाह के नाम पे किसी भी लड़की से क्या मुझे बांध देंगे। राजगुरु जी आपके घर में जिस लड़की को देखने हम आए हैं शीघ्र बुला लीजिए। बड़े उतावले हो रहे हैं आप अनंता को देखने के लिए। बुलाते हैं बुलाते हैं। अनंता को बुलाओ। को देखकर तो आज पहली बार मुझे मेरे मामा गोविंदुलु पर गर्व हो रहा है। लड़की तो बहुत सुंदर है, हमारे नैनेश्वर के लिए एकदम सही है। लेकिन सुनो जी, क्या ये इस बच्चे की माता है? अरे तुम्हारे पुत्र को लड़की से विवाह करना है कि बच्चे से? हैं? अरे बच्चा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, इससे पूछे इस बच्चे के बारे में। प्रणाम। प्रणाम। बहुत ही प्यारा बच्चा है, आपकी सहेली का है क्या? जी। अरे ऐसे कैसे सहेली का है, हमारा अपना है। अब इनका है, इनका है, हैं? हाँ, लेकिन जन्म इसे हमने अकेले ही दिया है। ये क्या पिताजी, विवाह के लिए आपने लड़की के साथ बच्चे की भी मांग रखी थी क्या? पत्नी के साथ बच्चा मुफ्त? ठीक है ना पुत्र, अरे बना बनाया बच्चा मिल गया, तेरा काम कम हुआ। आपकी बहन को विवाह से पूर्व ही बच्चा हो गया? किसने कहा? अभी आपकी बहन ने तो बोला ये बच्चा उसका। ये हमारी बहन नहीं है, ये तो पंडित रामा, वो जो पंडित रामा कृष्णा है उनकी धर्म पत्नी है। हाँ, अभी हमारी बहन की सहेली है। यदि आपकी कोई बहन है तो शीघ्र बुला लीजिए। आप हमें क्यों प्रतीक्षा करा रहे हैं? आप हमें तो प्रतीक्षा करा रहे हैं, लेकिन सूर्य ढलते समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं उसे बुलाती हूँ। अनंता, अरे पुत्र क्या हुआ? मुझे नहीं करना इसे विवाह। अरे क्यों, क्या हो गया? जिस तरह से रात को बिना आंखों के उजाले के मैं जी सकता हूँ ना, उसी तरह बिना पत्नी के जी लूंगा। अरे कुछ नहीं होगा। ये ईश्वर शुभ मंगल के सामने शुभ शुभ बोलो, ये अम्मा है अम्मा। ये कौन है जिसकी आंखें रामा जैसी नटखट और शरारती है? रामा जैसी नहीं अम्मा, रामा ही है जी। अम्मा इनकी योजना हमारी योजना को बिगाड़ने के लिए है। अब शीघ्र ही कन्या को बुला लीजिए, अन्यथा ये किसी से भी विवाह कर लेंगे। ऐसा हमें भी लग रहा है। हम अनंता को लेकर आते हैं। हाँ। ये लीजिए अम्मा। Thank you.
कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहन, इसे किसी की नजर ना लगे। आओ बहन, आओ बैठो। हाँ तो कोटेश्वर राव जी, आपके सुपुत्र क्या करते हैं, आपने बताया नहीं। अरे पुत्र तीरंदाजी करता है, पता नहीं कितने पुरस्कार जीते इसने। हाँ किंतु निशाने तो सभी गलत ही लगा रहे हैं। नहीं नहीं, इनका कहने का अर्थ है कि नैनेश्वर जी ने विलक्षण दृष्टि पाई है। जी हाँ, आपने सुबह से शाम तक सही कहा, लेकिन शाम के बाद आप मेरा अर्थ है कि नैनेश्वर के ऐसी दृष्टि है कि दिन के उजाले में भूसे के ढेर में से सुई भी ढूंढ निकलता है। जब हमारे नगर में कुछ खो जाता है तो हमारे नैनेश्वर को ही बुलाया जाता है ढूंढने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे आपको क्या क्या पसंद है? हमें जो पसंद है वो बस आने ही वाला होगा। क्या? आप समझे नहीं ज्ञानेश्वर जी, कन्या अनंता कह रही है कि आप जो शादी का प्रस्ताव अभी देने वाले हैं वो उसे बहुत पसंद है, उसी की राह देख रही है ना? मुझे तो लड़की इतनी पसंद है कि बस दिन के तीसरे पहरे के अंदर ही मुहूर्त निकाल दीजिए। इतनी शीघ्रता? क्योंकि सूर्य ढलने के बाद पसंद तो दूर, पहचानना भी कठिन हो जाता है। अरे इनका कहने का अर्थ है कि नजरों की बंदी, समय की पाबंदी, इसे सारे काम सूरज ढलने से पहले ही करने होते हैं, है ना पुत्र? क्योंकि उसके बाद ये स्वयं किसी काम का नहीं रहता। मेरा मतलब है कि इसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। वाह, समय का इतना पालन तो आज के समय में स्वयं समय भी नहीं करता। अब तक आया क्यों नहीं? अब चिंता मत करो, पूरे विजयनगर में और कोई अनंता नहीं है जिसके घर वो जाएगा, आता ही होगा। अगर ये विवाह तय होने के पहले वो नहीं आया ना, तो फिर हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि मामा आने में देर करेंगे तो एक दिन अनंता के बच्चों के मामा बन जाएंगे। अनंता लक्ष्मी कहाँ जा रही है? रुक जाओ, तुम घर से चलकर नहीं बाहर जा सकती, डोली में बाहर जा सकती हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? आपकी बहन का विवाह हो रहा है जो अभी नहीं हो पाएगा, बता रहा हूं मैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? जोर से बोलो। तुम्हारा इतना साहस हमारे घर में आकर ये कहने का कि हमारी बहन का विवाह नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है, मतलब मेरा और अनंता का विवाह हो चुका है। हाँ।